हमारा अपनी डिस्ट्रैक्शन हमने साइड में लेफ्ट राइट कर रखी हो, ठीक है, कोई चक्कर वक्कर के अंदर हम नहीं जा रखे हों, हम अपना रिवाइज कर रहे हों, हमने अपनी लक्ष्मण रेखा बना रखी हो कमरे के बाहर की, कोई हमें डिस्टर्ब करने ना आ रहा हो। अगर आपको और भी ध्यान लेना है तो यूं सोच लो यार, बी आर अम्बेडकर जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उनकी ऐसी ऐसी कहानियां यार कि वो क्लास के बाहर बैठ बैठ के दूर से देखते थे कि यार अंदर क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है। वहां से उस व्यक्ति ने नॉलेज को ग्रहण करके भवरे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इतना बड़ा योगदान दिया। तो इन लोगों के बारे में आप सोचोगे तो आपको लगेगा यार मेरे पास तो सारी सुविधाएं है, मेरे पास तो पूरी क्लास है, सब कुछ है, तो मैं क्यों नहीं करूं। तो एक वो टोपी पहन लेनी है कि यार अगर वो यहां पे आईआईटी की तैयारी कर रहे होते तो वो किस प्रकार से पढ़ाई करते, ठीक है। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हैं यार। पेशेंस भी आपको रखना पड़ेगा अगर आप एक फ्रेश स्टूडेंट हो तो, प्रैक्टिस करनी, सैंपल पेपर टेस्ट सीरीज देनी बहुत जरूरी है अगर आपका पेपर जस्ट आने वाला है, रिवाइज करना तो है ही, ये तो है ही, ये तो बैकबोन है किसी भी प्रिपरेशन की। जितने रिविजन, 4 से 5 रिविजन तो चाहिए, तब जाके पेपर में कोई चीज याद रह पाती है। और कैप, टोपी पहन लो हमेशा, कि अगर वो यहां पर होते, कोई भी अपने घर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति आप देख लो जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है या जिसने कोई अच्छा कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर रखा है, कोई भी नहीं है तो आपको आज के दिन बहुत सारे और लोग, मैंने बी आर अम्बेडकर जी का एक बस एक उदाहरण दिया, आपको और बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। टोपी पहन लो उनकी और कि वो कैसे तैयारी करते। आप में से हर एक स्टूडेंट के अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है, हमारा जीवन अभी बहुत सारे सालों का बचा हुआ है, आपके पास अगले 50 से 60 साल बचे हुए हैं जिसके अंदर हम भाग तोड़ के अच्छे से काम कर सकते हैं। होप नहीं छोड़नी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं जाने देना है। ये नहीं देखना 15 साल बाद मैं क्या कर रहा हूं, ये देखना है आज मैं क्या कर सकता हूं और क्या मैंने अपना बेस्ट दिया। दिन के एंड में अपने आप से ये प्रश्न पूछो, क्या मैंने आज अपना बेस्ट दिया, ठीक है। और यही पूछते जाने अगले 30-40 दिन के लिए। रोज अपना टाइम टेबल बनाओ, चाहे पूरा फॉलो ना हो पाए, गिल्ट आता है आने दो, फिर दोबारा बनाएंगे। जिद का गेम है यार, आपके पास कितनी जिद है कि मैं करता जाऊंगा, नहीं होगा फिर से ट्राई करूंगा, नहीं होगा फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है, पर हम गिव अप नहीं करेंगे। इसी के साथ यार आज का ये सेशन समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।